दिस इज नॉट रसिया, दिस इज गोवा। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये है नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पे आपको रशियन ही रशियन दिखने वाले हैं। और आप लोग सोचोगे कि ये रशिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये रशिया नहीं है बल्कि ये गोवा है। तो अगर आप गोवा आ रहे हो और गोवा की एक अच्छी सी जगह देखना चाहते हो, ज़बरदस्त जगह देखना चाहते हो, या फिर ये कहें रशियन लोगों वाली जगह देखना चाहते हो, तो आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। तो ये जगह कौन सी है जो कि रशिया जैसी दिखती है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं फेमस प्लेसेज ऑफ गोवा, फेमस प्लेसेज ऑफ नॉर्थ गोवा, विजिटिंग प्लेसेज ऑफ गोवा, टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ गोवा, बेस्ट प्लेसेज इन गोवा, रशियन प्लेसेज इन गोवा, गोवा नाइट पार्टी प्लेसेज, नाइट लाइफ ऑफ गोवा, नाइट पार्टीज इन गोवा, तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। स्पेशली 2024 में अगर आप गोवा आ रहे हो तो आपको इस जगह पर ज़रूर घूमना चाहिए। ये अभी पार्टी वाला प्लेस है, अभी यहाँ पे नाइट पार्टी शुरू हो जाएगी, वो डीजे शुरू हो गया है, आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। लेकिन पहले चलते हैं आगे की तरफ और आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो मार्केट है, लेकिन मार्केट के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है। मार्केट तो पब्लिक को आकर्षित करने का एक तरीका है, इंटरटेनमेंट करने का तरीका है, जिससे लड़के और लड़कियाँ यहाँ पे आएँ और शॉपिंग भी करें और साथ में बिजनेस भी हो जाए। लेकिन मेन अट्रैक्शन जो है फुल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, जो कि आपको सुनाई दे रहा होगा, उसके साथ साथ लिक्वर भी अवेलेबल है, लेकिन ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगा, लेकिन आपको रेप पार्टी जैसा मज़ा तो ज़रूर आ जाएगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे रशियन टूरिस्ट यही करते हैं, आते हैं और फुल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ साथ इंडियन फूड का इंजॉय, इंडियन डांस का इंजॉय। और यहाँ पे आके आप भी, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, तो इस पार्टी में डांस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ का माहौल कैसा है। तो नॉर्थ गोवा की यह एक फेमस जगह है, जिसे हिल टॉप गोवा, गोवा कलेक्टिव बाजार, और कुछ लोग इसे फ्राइडे नाइट मार्केट ऑफ गोवा भी कहते हैं। तो नॉर्थ गोवा के बेस्ट प्लेसेज में से यह एक जबरदस्त प्लेस है, जहां पर आपको एक बार ज़रूर ज़रूर आना चाहिए।